भी है। आज हम घोड़ा में मौजूद है जहां पर हमारे साथ तमाम पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। यहां की जनता के लिए बीजेपी ने क्या कुछ किया और आगे आने वाले समय में कितना कुछ करेगी? समाजवादी पार्टी का मुद्दा सिर्फ विकास का है, पूर्ण समर्थन यहां पे भाजपा के साथ है। एमएमजी हॉस्पिटल है कि जिसमें मच्छर निकलते हैं एक एक इंची के। उसका समाजवादी पार्टी ने घोड़ा को नगर पालिका दिया, इन्होंने सिर्फ क्रेडिट दिया। क्या यूपी क्या सरकार खराब इतना काम देश को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। कहेंगे देश बिकने नहीं दूंगा, आज सारी संस्था बेच रहे हैं लोग। विपक्ष का काम है चिल्लाने का और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अगर घोड़ा से बाहर चले जाओ ना, यहाँ बाहर यहीं से दिख जाएगा विकास। घोड़ा में विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। समाजवादी ने नगर पालिका दिया, थाना दिया, चौकी दी, गाड़ियाँ आ दी और क्या दिया बीजेपी ने? अरे क्या दिया बीजेपी ने? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल काफी चुनावी है क्योंकि 3 से 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है क्योंकि आखिर किस्सा कुर्सी का है। जी हाँ, किस्सा कुर्सी का है, इसीलिए पूरा माहौल चुनावी है और हर पार्टी अपनी अपनी तरह से जोर आजमाइश कर रही है और चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी है। कोई रैलियाँ कर रहा है तो कोई परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है, तो ऐसे में सभी पार्टियाँ पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि आम जनता को किस तरह इस बार लुभाया जाए, किस तरह से उनसे वादे किए जाएं और किस तरह उनका वोट अपनी ओर खींचा जाए। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना खुद हम ग्राउंड जीरो पर जाएं और आखिर जनता के मन की जो बात है और जो पार्टी के नेता हैं उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, किस तरह से वो जनता के सामने अपने मुद्दे रखेंगे और किस तरह से जनता का वोट बैंक अपनी तरफ खींचेंगे, ये बेहद जानना जरूरी है। इसीलिए आज हम खोड़ा में मौजूद है जहां पर हमारे साथ तमाम पार्टी के नेता भी मौजूद हैं और आम जनता भी यहाँ की मौजूद है, ताकि इन्हीं जनता के सवाल सीधा इन नेताओं से कर सकें और जनता के मन में जो बातचीत है वो सीधा इनके जवाब इनसे ही लिए जाएं। तो ऐसे में तमाम नेता मौजूद हैं, इन्हीं से इनका परिचय लेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या इनके चुनावी मैदान में उतरने के लिए मुद्दे हैं और जनता की जो समस्या है किस तरह से वो जनता की समस्याओं पर खरा उतर पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करूंगी, अपना परिचय दीजिए, बैठ जाइए, कोई नहीं। मेरा नाम श्रीकांत गुप्ता है, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी व्यापार मंडल से। ठीक है, आप बताइए। मेरा नाम कृष्णा तिवारी है, बहुजन समाज पार्टी से मैं हूँ और पद मेरे पास विधानसभा प्रभारी है। देवेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा क्षेत्रीय पश्चिम में सदस्य, कार्यकारिणी समिति का सदस्य और मेरठ जिले का प्रभारी, मोदीनगर देहात मंडल का प्रभारी। चलिए ठीक है, आप। अमित यादव, समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 10 आजाद विहार खोड़ा कलौरी। चलिए ठीक है, क्योंकि सत्ता में अभी आप हैं देवेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जनता के मुद्दे बहुत हैं, अभी जनता आपसे नाराज है बेहद, बीजेपी पार्टी से जनता काफी नाराज है। आप किस तरह से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और क्या कुछ जनता की समस्या का किस तरह से निस्तारण करेंगे? जैसे कि आप सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की जो कार्य, जो मुख्य कार्य थे, जो कोई कभी विपक्ष उनको छेड़ता भी नहीं था, उन सब पे कार्य किया गया है। आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना काल में जहाँ पे पूरा विश्व करा रहा था, उस तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश को जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद किस तरीके से निकाला गया है और सबको यहाँ पे सहूलियत दी गई है और जो पार्टी का है कि सबका साथ सबका विकास, उस तरीके से विकास किया गया है और दोबारा हम लोग अपने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं और कोई नाराजगी जनता में नहीं नज़र आती, सरकार के पक्ष में पूरी तरीके से सरकार के साथ है आम जनता। लेकिन देवेंद्र जी, एक बात यहाँ जानना चाहूँगी, अभी इतनी घटना हो रही हैं पूरे यूपी में, चाहे लखीमपुर हो, गोरखपुर हो, कानपुर हो, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे नाराज़गी कहीं ना कहीं है और विपक्ष भी इसलिए आप पर हावी होता नज़र आ रहा है। देखिए, पार्टी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, निडर मतलब बिल्कुल एक निष्पक्षता के साथ कार्य कर रही है। पहले आपने देखा हो घटनाएं घटती होंगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, जिस तरीके से इसमें तेजी से मतलब इस पर सारी कार्रवाई हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि योगी जी के नेतृत्व में कोई भी किसी तरीके से अगर कानून से कोई छेड़छाड़ करेगा तो अछूता नहीं है। जी अच्छा, चलिए अभी हम खोड़ा में मौजूद हैं, यहाँ की जनता के लिए बीजेपी ने क्या कुछ किया और आगे आने वाले समय में कितना कुछ करेगी? जैसा कि अब से अगर 5 साल पहले खोड़ा को देखते, यहाँ पे खोड़ा में दुनिया भर के गड्ढे होते थे, यहाँ से साइकिल निकलना ही बड़ी मुश्किल बात थी, पैदल निकलना बरसात के टाइम में बहुत ही कठिन होता था
और जो भी यहाँ से सुविधाएं थी वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर नज़र आती थी कि हम दिल्ली के नज़दीक नहीं हैं और लखनऊ से काफ़ी दूर हैं, लेकिन आज आप महसूस करेंगे अभी शाम को जैसे 7 बजते हैं तो यहाँ पे कनॉट प्लेस की तरह नज़ारा नज़र आता है। लाइट के मामले में देख लें आप, सड़क के मामले में देख लें, जिस तरीके से तेज़ी से बीजेपी ने कार्य किया है ऐसा किसी और के शासन में संभव ही नहीं था। चलिए ठीक है, तो जनता से अभी बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे विकास हुआ है और कितने कुछ काम हुए हैं। चलिए आपसे जानना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी किस तरह से अब आगे चुनावी मैदान में उतरेगी? समाजवादी पार्टी का मुद्दा सिर्फ विकास का है, और जहाँ तक हम खोड़ा में बैठे हैं, ये डिबेट खोड़ा में हो रही है, तो ज़्यादा आप खोड़ा के मुद्दे पर बात करें तो बेहतर रहेगा। खोड़ा कॉलोनी को नगर पालिका बनाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। खोड़ा को 555 करोड़ रुपए का फंड दिया नगर पालिका। लेकिन अभी क्रेडिट तो देवेंद्र जी ले रहे हैं सारा। इनका इनकी तो आदत है क्रेडिट लेने की। ये कह रहे हैं अभी हमारे काबिल हैं बहुत। इन्होंने कहा कि कोई भी घटना घटती थी कार्रवाई नहीं होती थी। जब मंत्री जी की उनकी विकास दुबे जी की गाड़ी पलटी तो मैं मंत्री जी को आज तक बर्खास्त नहीं किया। लखीमपुर खीरी की घटना देख लीजिए आप। जहाँ तक खोड़ा की बात है, खोड़ा में सबसे पहले अभी दोस्त इन्होंने बताया साथी ने हमारे के खोड़ा को कनॉट प्लेस बना दिया, लाइटें लगा दी। लाइटें लगाने से विकास होता है क्या? लाइटें लगाने से कनॉट प्लेस बन जाता है? जो इन्होंने रोडें बनाई हैं नगर पालिका की तरफ से, जो रोडें बनी हैं, आदमी का मकान, जो यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं उनके 5-5, 6-6 फुट मकानों को नीचे कर दिया गया है। कोई लेवल नहीं लिया गया है इस खोड़ा के अंदर, सब बस जनता को लूटने का काम किया है। लेकिन यहाँ तो अच्छे खासे मकान भी बने हुए नजर आ रहे हैं, रोड भी बनी हुई नजर आ रही है। जो ज्यादातर भाजपा के लीडर हैं उन्हीं के मकान आपको नजर आ रहे हैं, आप गलियों में जाकर। यानी ये सब मकान क्या बीजेपी वालों के हैं? बिल्कुल बीजेपी वालों के हैं। देवेंद्र जी, ये सब मकान बीजेपी वालों के हैं? जैसे कि अभी मेरे साथी ने बताया कि यहाँ पे टोटल एक भाजपा का ही परचम लहरा रहा है, तो इन्हीं के मुंह से आपने सुन लिया होगा कि पूर्ण समर्थन यहाँ पे भाजपा के साथ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे भाजपा के समर्थित हैं। मैंने ये नहीं कहा भाजपा का परचम लहरा रहा है, मैंने विकास के मुद्दे पे बात की है। मैंने कहा समाजवादी पार्टी ने खोड़ा को नगर पालिका दिया, इन्होंने सिर्फ क्रेडिट लिया। ऐसा ही इनके मुख्यमंत्री जी करते हैं, ऐसे ही ये कार्यकर्ता करते हैं। चलिए ठीक है, कृष्णा जी आपसे जानना चाहूंगी आपकी पार्टी क्या कुछ करेगी? देखिए हमारी पार्टी स्टार्टिंग से न्यू भरने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। माननीय बहन जी ने 350 करोड़ रुपया खोड़ा नगर पालिका के लिए दिया था, सरकार थी, कुछ वजह के वजह से जो है सरकार नहीं आई, नहीं तो आज ये खोड़ा नहीं इंदिरापुरम होता। दूसरी बात, कहते हैं लोग कि रोड बन गया, अरे रोड बनने कहाँ, गलियों में जाओ, जो 25 गज और 20 गज वाले और 50 गज वाले जो बेचारे हैं उनका घर 3-3 मंजिल नीचे गया हुआ है। और हमें विकास के मुद्दे की बात किया जाए तो आप शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य, और उसके बाद में लाइट तो चलो ठीक है, बिजली बिल का देख रहे हो इस समय कंडीशन क्या है, और स्वास्थ्य के बारे में कोई भी बता दो हॉस्पिटल यहाँ पे है, गाजियाबाद तक की बात कर रहा हूँ, MMG हॉस्पिटल है कि जिसमें मच्छर निकलते हैं 1-1 इंची के, और खोड़ा में कोई भी जगह पे बता दो आप कि जो है हॉस्पिटल कोई हो। शिक्षा के माने में ले लो, 90% बच्चे दिल्ली में जाके पढ़ रहे हैं, क्या यूपी का सरकार खराब ही है क्या, एकदम नाकाम है? लेकिन देखिए शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, ये अच्छा खासा एक इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर, तो ये है सरकारी है क्या, फीस नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा, जो गरीब तबके लोग हैं कहाँ से पढ़ेंगे आप बताइए। सरकारी स्कूल संगम पार्क में चले जाओ, कम से कम 5 फीट गहरा मिलेगा, बारिश आती है तो छज्जा गिरता है, तो उसका जिम्मेदार क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे? जिस दिन आप बाई चांस 1300 बच्चे कम से कम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने RO लगाने का भी काम किया हूँ, बाकी कुछ ऐसा छोड़ा। तो आपकी पार्टी आएगी, आप ये सब चीज़ सुधरवा देंगे? बिल्कुल करेंगे, हमारा मिशन यही है, सर्जन सुखाय सर्जन हिता, और रहेगी बात प्रोग्रेस की तो प्रोग्रेस करेंगे, हमारा पहले शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, ये हमारा मिशन रहेगा। चलिए ठीक है, आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन जब आपकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तब देखेंगे कितनी बातें आपकी सच निकलती हैं। अब आम आदमी पार्टी से भी जान लेते हैं कि किस तरह से जी हमारी पार्टी जमीनी स्तर से काम करती है, या नहीं कि 300-400 करोड़ पास करवा दिए, ऐलान कर दिए कि इतना नहीं इतना कर दिए, यहाँ पे बोलने का काम नहीं करती, करके दिखाने का काम करती है हमारी भारतीय बहुजन समाज पार्टी। तो यानी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलने का काम करती है?
चलिए ठीक है, देवेंद्र जी से जानेंगे ये तो कि क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जान लेते हैं उनके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो खोड़ा कॉलोनी में पहली बार डिबेट हो रही है। दूसरे खोड़ा कॉलोनी 10 लाख की आबादी में अभी तक किसी की नज़र नहीं गई है, वो आपने आज आकर बड़ी मेहरबानी करी है। और आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको विकास दिखेगा, कितना भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। सबसे पहले मुद्दा आता है शिक्षा पे। शिक्षा तो कोई जितनी भी पार्टियां हैं ये सब फेल है, सिर्फ एक अगर पार्टी अगर पास है वो आम आदमी पार्टी पास है, और वो ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा मुक्त दे सकती है। और दूसरे, आप खोड़ा कॉलोनी मुझे 5 काम ऐसे गिना दो जो आम जनता के लिए करे हैं, और ये गिना दो आपकी विधानसभा विधायक जी का कितना 5 जगह फंड लगा हुआ है। कोई भी फंड ऐसा नहीं लगा, अगर चाहते तो ये स्कूल सारे स्वर्ग बन जाते, आज ये रेगिस्तान बन गया, पानी एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के अपने घर में पानी नहीं लोग लाएंगे, मकान बेच बेच के भागने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से खोड़ा से, तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ अगर कुछ हुआ है तो वो विनाश हुआ है। तो आपकी पार्टी पूरा विकास करेगी यहाँ का? मैंने करके दिखाया, वो आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर वही काम उत्तर प्रदेश में करने आए। लेकिन जो आप समस्याएं यहाँ बता रहे हैं, क्या दिल्ली में ऐसी कोई समस्या नहीं है? दिल्ली में समस्याएं अगर हैं तो वो तुरंत पूरी होती हैं। अगर आप यहाँ अगर पानी की समस्या तो दिल्ली में आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जो यहाँ पे भी है। नहीं, दिल्ली में समस्या पहले टैंकर माफिया थे, वो सारे टैंकर माफिया अगर किसी ने ख़त्म करे हैं वो आम आदमी पार्टी ने ख़त्म करें। उससे पहले कांग्रेस वालों के टैंकर माफिया थे, तो वो माफिया तो ख़त्म करे। अगर कहीं चलोगे तो धीरे धीरे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ख़त्म होंगी। आप पानी की बात करते हो, जब बाहर से अगर हरियाणा पंजाब से अगर पानी रोक दिया जाएगा, सरकार किसकी है? भाई आपके पास जब आए ना, देखिए आप लोगों के जो भी जितने भी सवाल होंगे ना एक एक करके लेंगे। विरोध करना आपका काम है, विरोध करना हमारा काम है, विकास करना हमारा काम है, विकास करना हमारा काम, विनाश करना नहीं है। चलिए ठीक है, रुक जाइए, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं गजेंद्र नेगी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के भाई साहब बैठे हैं, उनका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने इसको नगर पालिका बनाया, इसमें हमारे जनरल साहब 2014 में सांसद चुन के आए थे, उन्होंने इसमें कार्रवाई की थी नगर पालिका के लिए, जिसमें इसमें यूपी के जो उस टाइम वर्तमान सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उनको फटकारता लगाई गई इसमें कि आप इस नगर पालिका को नगर पालिका क्यों नहीं करते, यहाँ की आबादी अगर ज़्यादा है। तो उन्होंने इसे कोर्ट के माध्यम से जो इसको नगर पालिका किया, इसमें जैसा है वैसे ही इसे नगर पालिका किया जाए, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। दूसरी, हमारे भाई साहब बसपा वाले हैं, उन्होंने बोला यहाँ 300 करोड़, आप खोड़ा का 2000 जब 300 करोड़ पास हुआ था उस टाइम की आप हिस्ट्री देखोगे, जिस समय यहाँ प्रधान के बजट से कोई गलियों में ईंटें लगी थी, किसी में सीसी हुई थी, उन 300 करोड़ ने एक काम जरूर किया, जितनी भी गलियों में इंटरलॉकिंग और सीसी थी उन गलियों को खोदने का काम किया, ना कि किसी गली में एक ईंट तक लगी हुई है, और जो गली कच्ची थी उसमें कोई भी वो नहीं हुआ। सीवर के नाम से उन्होंने सीवर का डाला 300 करोड़ रुपये का सीवर, इंदिरापुरम की आबादी 2.5 लाख की, वहाँ है 12 इंची सीवर, और खोड़ा की आबादी 8 लाख 10 लाख अपने मुंह से बता रहे ना, और यहाँ की सीवर की जो है 8 इंची। आप मुझे बताएं 2.5 लाख की आबादी में 12 इंची सीवर और खोड़ा की 10 लाख की आबादी में 8 इंची सीवर, तो सीवर दिखाने के लिए डाले गए या पानी को बाहर निकालने के लिए डाला गया? अब आ जाओ आम आदमी पार्टी भाई साहब हमारे, ये आम आदमी पार्टी स्कूल की बात करते हैं, इनसे पूछे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, उनके बच्चे कौन से स्कूल में हैं जो स्कूल डेवलप किया हुआ है सरकारी, और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी से पूछिए उनके बच्चों ने कहाँ से 12वीं की डिग्री प्राप्त की और कौन से कॉलेजों से कर रहे हैं ये। और यहाँ पे हमारा खोड़ा पर सटा हुआ है, हमारे दिल्ली का बॉर्डर है, आप उस रोड को देखिए, वो रोड दिल्ली सरकार के अंडर में है, उस पर देखिए पूरी भरी हुई है। खोड़ा के बाद जो है 2017 के बाद आपने खोड़ा में देखा होगा एक भी ऐसी गली नाली खड़ंजा ऐसा नहीं है जो हमारे पास आप काम बचाओ, सारे गलियाँ हैं नालियाँ हैं और लाइट। पहले 2017 से पहले आपने यहाँ देखा होगा, ये समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं हमारे सरकार में सब कुछ ठीक ठाक था, यहाँ गांजा दारू हर गली में हर नुक्कड़ पर चौराहे में बिकते थे, और वो एक सब इनकी सरकार में बिकते थे। आप 17 के बाद सरकार के बाद देखो, वो तो अब भी हैं, वो तो देखिए अब भी हैं। आप कहीं भी देखो खोड़ा के अंदर, आप कहीं भी देखो, कहीं भी अगर आपको दारू गांजा और ये शराब माफिया वाले दिख जाए आपको। मैं कह रहा हूँ जो भी नाम बताइए सबसे, नाम शौकीन है
और समाज वरिष्ठ समाजवादी नेता हूँ मैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ इनका जो विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, सब झूठ के खा रहे हैं लोग। देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, कही के देश बिकने नहीं दूंगा। आज सारी संस्था बेच रहे हैं लोग, सरकारी संस्था बेच रहे हैं लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। किसान आज 9 महीने से वहाँ पड़ा है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, हम लोगों के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, मगर इनको अपनी चल लग रही है। हाँ भाई लोग, लेकिन आप भी तो उन किसानों के जरिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कहीं नहीं हो रही है, किसानों के लिए कोई मुद्दा कोई ऐसा ही कुछ नहीं है। किसानों के लिए अभी किसानों पर जो गाड़ियाँ चढ़ाई हैं इन्होंने, अगर कोई और चढ़ा था योगी जी पूरे घर ढाते हैं उसके। आजकल कोई कुछ नहीं हुआ है, कानून की बिल्कुल ही तोहिन कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर दिया इन लोगों ने बिल्कुल भी। आप देख रहे हो क्लिपिंग में देख रहे हो, सीधा गाड़ी चढ़ा रहे हैं लोग, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है बिल्कुल। किल भी योगी जी अगर कोई और बंदा करता किसी और पार्टी का था उसको घर तक को गिरा देते अब तक, उसमें मुकदमा। आपकी आपकी इस बात का जवाब ना देवेंद्र जी से लूंगी मैं। देवेंद्र जी, इन्होंने कहा कि अगर अभी किसी और पार्टी का या कोई और आदमी होता लखीमपुर में जो हुआ, और अगर कोई और होता तो योगी जी उसका घर ढा देते, बुलडोजर चला देते। विपक्ष का काम है चिल्लाने का और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, उन्हें कोई कानून की जानकारी नहीं है किस तरीके से किसी का अगर कोई दोस्ती नहीं उसका मकान आप कैसे डाल देंगे। पहले उसकी एक जांच होगी, जांच के बाद ही तो उस पर एक्शन होगा, बगैर जांच के कुछ नहीं होगा। देवेंद्र जी, इतनी वीडियोस आ रही हैं, क्या उन सब वो सब नहीं है? आपने देखा होगा जो मंत्री जी का बेटा है कहाँ पे है, कोई कानून किसी के साथ पक्ष थोड़ी कर रहा है, अपना बगैर पक्ष के अपना कार्य कर रहा है कानून, और कानून की अपनी स्वतंत्रता पूर्ण, कानून किसी व्यक्ति को भेदभाव के बगैर अपना काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून पूरे मतलब अपने निष्पक्षता के साथ अपना काम करेगा, चाहे सरकार का हो या विपक्ष का हो, उसमें कोई किसी को दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। जी, हमारे काबिल साथी ने अभी कहा कि मंत्री जी कोई आरोपी थोड़ी है, उनको तो इन्होंने पहले ही बरी कर दिया। गिरफ्तारी हुई है मंत्री जी के बेटे की जब विपक्ष का प्रेशर पड़ा है, तभी तो गिरफ्तारी हुई है। तो इनका काम है आरोपियों को बचाना और सीधे साधे भोले आदमियों का घर ढहाना और लूटमार करके भोली भाली जनता को सताना बस, और दूसरे अपने के मतलब दूसरे के किए हुए काम को अपना काम बताना, और इनके अलावा और कोई काम। चलिए ठीक है, यहाँ पे आम जनता भी है, कुछ युवा भी हैं, सबसे पहले उन्हीं के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे कितने खुश हैं वो सरकार से। चलिए आप बताइए, आप देश का युवा है, क्या युवा आज खुश है बीजेपी सरकार की नीतियों से? बहुत खुश है, क्योंकि युवाओं को आज हर चीज़ में बोलने का अवसर है, हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ रहे हैं और हमारा जो विकास है हम लोग देख रहे हैं, ठीक है युवा इस समय खुश। रोजगार की बात करें तो? रोजगार तो जी सब जगह है, कौन सा पहले हम जब पहले सरकार थी कौन सा हमें रोजगार मिला है, कौन सा हम सीएम के पद पे थे या हम कौन सा बड़े अधिकारी के पद पे थे, जो आप नहीं है, हम लोग को सभी सुविधाएं मिल रही हैं और रोजगार सब जगह है, कहने की बातें हैं। पहले बिजली कहाँ थी, पहले बिजली कहाँ थी ये बताइए, अब बिजली कहाँ कहाँ नहीं है, ये चीज देखा आपने? पहले जो लाइट आती थी, जो बिजली आती थी, वो आती थी 3 से 4 टाइम था, एक 6 से 9, फिर 9 बजे चली गई तो 2 बजे आनी थी, और आज मुझे नहीं लगता कि 24 गांव में तो बिल्कुल भूल ही जाइए कि बिजली का नामो निशान हो, नहीं गांव में तो थी नहीं बिजली, वही कह रही हूं। डेट में जो पहले एक हफ्ता दिन में और एक हफ्ता रात में आती थी ना, वो आज पूरे दिन बिजली का माहौल में मजा ले रहे हैं किसान खुद है इन चीजों से। बताइए खोड़ा में कहाँ तक नहीं थी लाइट, कहाँ थी लाइट, अरब पानी की समस्या ठीक है खोड़ा में? पानी की तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन पानी की समस्या हर जगह है, हर जगह है पानी की समस्या। दिल्ली में कहाँ नहीं है पानी की समस्या, बताइए आप, बताइए कहाँ नहीं आ रहा पानी, हम पूछना चाह रहे हैं ना, या आम आदमी के पार्टी के नेताजी बैठे हैं या जो भी, हम पूछ रहे हैं कि दिल्ली में पानी जो सीवर है वहाँ, वो सॉरी सीवर मैं बोल रहा हूँ, जो पीने का पानी आ रहा है वो भी उन्हें आर ओ से वो करना पड़ रहा है, प्योरीफायर करना पड़ रहा है, कहाँ नहीं है पानी की समस्या बताइए अब। तो ये तो मत कहिए विकास हुआ है, कहाँ नहीं हुआ विकास, बिजली जो पहले 4 और 6 घंटे आती थी वो आज 23 घंटे 23.5 घंटे बिजली आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, अभी आगे थोड़ा। चलिए ठीक है ठीक है, बिजली तो आ रही है, पानी की समस्या लोग भले ही खोड़ा में देखे देखे, रुक जाइए देखे रुक जाइए देखे, बताइए बताइए अपना नाम बताइए सबसे पहले। नाम दीपक सिंह बिष्ट है, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं भी, तो बोल रहा हूँ सुनिए सुनिए, इधर आइए सुनिए, इधर आइए आप इधर आइए, अरे ऐसे साथ जी बोलिए। जैसे बोले विकास दुबे, विकास दुबे जैसे लोगों को पाला है आतंक मायावती सरकार ने पाला है, मुलायम ने पाला है, आप मैं कहता हूँ विकास आप बोलिए आप बता रहे नहीं आप बोलिए
विकास की बात करते हैं, अगर खोड़ा से बाहर चले जाओ ना, यहाँ बाहर यहीं से दिख जाएगा विकास। और खोड़ा की बात करते हो, खोड़ा खोड़ा गली गली कोने में कहाँ रोशनी नहीं है, आज तक पहले क्यों नहीं लगे थे? 300 करोड़ कहते हैं, मैं कहता 300 कहाँ लगा 300 करोड़, अच्छे खासे रोडों को खोद देंगे। आराम आराम से बात करेंगे। आप बताइए ताऊ, देखिए रुक जाइए। अबे भाई, खोड़ा में विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। ये रोड बने हैं, समाजवादी ने पैसा दिया था नगर पालिका के फंड को, और आज पानी की दिक्कत है। गरीब आदमी 25 गज वाला 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? आज क्या कहते हैं, यहाँ से जनता मकान बेच बेच के भाग रही है। क्या विनाश किया विधायक का? कौन सा फंड लगा है यहाँ पर? कौन से कहाँ से एमपी का फंड लगा है? नगर पालिका के द्वारा जो काम हुआ है, आज जनता पानी के लिए तरस रही है। 50 दफे धरना दिया है हम लोगों ने। तो जो ये बता रहे हैं, जो बीजेपी के बता रहे हैं, वो सब गलत है। बताओ, पानी की दिक्कत है जनता में? आप जाइए पता कर लो, पानी की तो दिक्कत है, पानी की तो है। मैं तो ये खुद ही कह रही थी, इसीलिए पूछ रही। ये वोट न देते, हमें पानी देना था। पानी से जनता परेशान है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं, दवा नहीं। बिजली आती है, बिजली सही है यहाँ पे, कागज फिर भी कट रही है। समाजवादी ने 22 घंटा बिजली दी है यहाँ पर। अगर दवाई और जब विकास क्या दिया है? समाजवादी ने नगर पालिका दिया, थाना दिया, चौकी दी, गाड़ियाँ आ रही, और क्या दिया बीजेपी ने? अरे क्या दिया बीजेपी ने? कौन सा विधायक का फंड लग रहा है खोला के अंदर बता के दे, या एमपी का कौन सा फंड लग रहा है यहाँ पर? हमारे सीएम अखिलेश यादव ने 555 करोड़ रुपया दिया, उससे रोड बनवाए थे। रोड तुमने बनाए, लेवल नहीं दिया। ऐसे इस बार अखिलेश यादव के आने के सत्ता में पूरे चांसेस लग रहे हैं। पूरे चांसेस, पूरी सरकार बनाएंगे अपनी, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ तो माहौल काफी गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म है, गुस्सा लोगों में है, और कुछ लोग कहना भी चाहते हैं। जी बोलिए। इन्होंने अभी मैं आपको एक चीज पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इन्होंने अभी किसानों की बात करी। अगर हमारे देश का अन्नदाता 10 महीना अगर अपने घर में बैठ जाएगा ना, तो हम लोग आज जमीन के अंदर होते, बाहर नहीं होते। कोई राख में मिल गया होता, कोई कब्र में बैठ, मतलब वो किसान नहीं है। किसान नहीं है, वो है बिचौलिया। बिचौलिया आज 70% जो बच्चे हैं स्कूलों, आज हमारी खोड़ा कॉलोनी के सारे बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। उन लोगों से ये पूछिए, कोरोना काल में भी हमारे यहाँ से राशन बच्चों को तक दिया गया है, और यहाँ कोरोना काल में सिर्फ चावल कटोरा में दिए गए हैं, और वो भी नगर पालिका से, और वो भी कूड़े की गाड़ी में बन के आए, और कूड़े की गाड़ी में बना के चावल भेजे गए। तो ये भी बड़ी शर्म की बात है। आप कहते हो नगर पालिका ने विकास क्या किया? नाली खड़ंजा RCC उस समय भी हो रही थी जिस समय यहाँ प्रधानी थी खोड़ा कॉलोनी में। आज नगर पालिका होने का मतलब सबसे पहले इनका काम था सीवर, पानी और हॉस्पिटल, जबकि यहाँ पे पानी के लिए जो पैसा आया था फंड में, वो कहाँ गया? वो कहाँ चेयरमैन साहब लेके गए? आज तक अभी तक ये नहीं पता लगा। अब कह रहे पैसा मंजूर होगा, पहले बोर्ड लग गए थे कि 127 करोड़ रुपए पानी के लिए मंजूर कर दिए, वो कहाँ गए? आज हमें एक बात और आप बताइए, विधायक का जो फंड है वो जब से नगर पालिका हुई है आज तक एक फंड गिना है? अगर ईमानदारी से अगर एक फंड गिना देंगे मैं मान जाऊंगा। स्कूल अगर चाहते तो जो मंत्री भी हमारे यहाँ, माननीय बीके सिंह हमारे यहाँ के सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, उनमें तो इतनी पावर है, वो चाहते तो इसे स्वर्ग बना देते, पानी भी आ जाता, हॉस्पिटल भी आ जाता, लेकिन आज तक कभी मन नहीं बनाया। इनकी नियत काम करने की नहीं, अपनी कोठियां बनाने की नियत है, इसके अलावा कोई काम किया नहीं है। खोड़ा के अंदर पहले भी RCC और ये क्या नाम है नालियां बन रही थी। और रही बात रोड की, आपको इन्हें ये जानकारी नहीं है कि वो भाजपा के अंडर में रोड आता है, और सरकार इनकी केंद्र में भी बैठी और प्रदेश में भी सरकार बैठी। बड़ा दुर्भाग्य है जो आज खोड़ा को नर्क चारों तरफ से बना रखा है। वो सरकार दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, उसके लिए मैं खुद गए स्वयं और मैंने वहाँ लिख के दी। और दूसरे कुलदीप विधायक जो हमारे यहाँ से कोंडली से हैं, उन्होंने कई बार इसके लिए पैर भी की, लेकिन आज तक कभी लिखी वहाँ की सड़क नहीं बनी। और पानी, पानी के लिए आप किसी भी गली में चले जाओ, आप एक एक पैसे के लिए परेशान है पानी के लिए। इनमें कितने लोग खड़े हैं? किसी की तनख्वाह 50,000 रुपये है? नहीं है।
इनकी 10,000 रुपए तनख्वाह, 12,000, 15,000 रुपए में खोड़ा कॉलोनी में 99% लोग हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है? किसकी 50,000 रुपए, कितने लोगों की तनख्वाह है बताइए। हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए जरा, किस किस की है? दो नहीं, रुको, क्या काम करते हो? रुक जाइए जी, बताइए क्या करते हैं आप, नाम बताइए सबसे पहले। जी मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं एक बिजनेसमैन हूं और स्पोर्ट्स कोच भी हूं। जी ये सारे जो कह रहे हैं कि स्कूल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जी, 50,000 क्या, 1.5 लाख है मेरी सैलरी, तो अगर मैं कमाने पे आऊं तो लो जी अकाउंट स्टेटमेंट। अरे रुक जाइए, देखिए ऐसे नहीं, कोई अकाउंट स्टेटमेंट बताइए। अब ये सारे कह रहे थे सरकारी नौकरी के ऊपर, अजी सरकारी नौकरी आप जब लोगे ना, जब आपके अंदर क्षमता होगी, हर बार वैकेंसीज इतनी खाली जाती है, वो बच्चे कहाँ जाते हैं, और एक ही नौकरी क्लर्क के पीछे इतने सारे लोग भागेंगे तो सरकार कितनी नौकरी देगी? आप सवाल इतने कि चले जाते हैं सरकारी नौकरी, हमारे युवा क्या है, बेरोजगार है। जब उनके अंदर क्षमता होगी कार्य करने की और अपने आप को डेवलप करने की, तभी तो वो नौकरी ले पाएंगे। अब बैठे बिठाए तो सरकार देगी नहीं उन्हें सैलरी, पहले भी तो ऐसा। अब कह रहे प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां बेच रहे हैं, पहले जो हमारे बहुत सारे युवा थे जिन्हें ओआ भी नहीं आता था, वो टीचर बन के बैठ जाते थे, उन लोग क्या पढ़ाते थे बच्चों को, उससे हमारे देश के युवा कहाँ जाते थे, गरीबी में। और फिर कहते हैं कि बच्चों की सैलरी कहाँ है, कितने कमाते हैं। जो भर्तियां भी रोक दी जाती हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? भर्तियां जी जब भी रोकी जाती है, जब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है या फिर पेपर लीक होते हैं, वैसे रोकी नहीं जाती है। कोई भी अगर बच्चा मेरिट होगा, जिसका ऊपर होगा मेरिट नंबर होगा, उसे कभी नहीं रोका जाएगा। मेरा 2 बार एनडीए निकला है, पेपर लीक से तो, और बच्चे की मेहनत बेकार जाती है जो पढ़ने में तेज है। और वो लीक कौन करता है? सरकार करता है। और वो लीक कौन करता है? पैसे खाने वाला करता है। पढ़ने वाला बच्चा का पढ़ाई मारी जाती है उस जगह पे। आप सबसे पहले बताइए क्या करते हैं आप? मैं एक युवा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, 12th क्लास अभी पास की है मैंने। आगे क्या करेंगे? आगे खुद का बिजनेस करेंगे, क्योंकि नौकरी से कोई पढ़ाव नहीं मिलती यहाँ पे। फिर आप ही क्यों? मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई मारी गई है, इसलिए पेपर लीक हुई थी इस बीच में, आपने देखा था एक चीज की, उसमें ट्राई किया था आपने किसी पेपर के? जी किया था मैंने। मैम एक बात कह रहा हूँ, ठीक है इनकी 1.5 लाख होगी, एक बंदे की 2 लाख होगी, दो ही बंदों ने हाथ खड़े किए थे ना भाई जी, है ना, ठीक है। और भाई भी, हम भी हैं भाई, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरी 15,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ। सुनो, ई एक्सेल में जॉब करता हूँ, एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, रुक जाओ, एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सारे को सारे 70% 8 से 10,000 रुपये में जॉब करते हैं, आप खोड़ा में हम घूम रहे हैं। आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं ई एक्सेल में जॉब करता हूँ, एमएनसी कंपनी में, ठीक है, हेल्थ बैकएंड में हूँ मैं, हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक है। अरे चलिए ठीक है, मेरी भाई डाटा एंट्री, ठीक है, रुक जाइए, ठीक है। इसमें क्या हो गया फिर? उनसे क्या पूछ रहे? 25 के ऐसे नहीं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं। नहीं, अगर एक मेरा भाई, छोटा भाई 50,000 रुपए लेता है, बोलो, वेब डिजाइनर है, मैं भाई मैं काबिलियत की बात नहीं है, ये चीज गलत है। हर बंदा मोदी बन जाएगा? नहीं, काबिलियत ये बात, अरे नहीं ये बात है, हर बंदा सचिन तेंदुलकर बन जाएगा? कोशिश सब करते हैं भाई साहब, क्या देखिए आपने थोड़ी देखा, क्या पता इन्होंने भी कोशिश की हो सकता है कोई परेशानी हो सकता है। कोई कोशिश नहीं करता है, वो है, हर अगर हर सब बंदे ने लगे तो सारी पोस्ट IAS की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, सब डेवलप करते हैं। चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगी, आप जब बोलते हैं तो आप चुप ही नहीं होते, आप बताए, आप बहुत देर से कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ ये लोग पहले से संयोजित योजना बना के आए, मैं झूठ बोलना है, सिर्फ झूठ ही बोल रहे। बताइए 1.5 लाख वाला बंदा 50,000 वाला बंदा यहाँ बैठे डिबेट करने आया, देखने आया है, ये लोग काम करने किस टाइम जा रहे हैं? ट्रेंड हो कहाँ है पूरे, ये पूरे बीजेपी ने कार्यकर्ता ट्रेंड करके भेजे हैं, ये ऐसा नहीं है हम। चलिए ठीक है, आप बताइए, देखिए यहाँ की जनता जो है अगर पूरा देखा जाए तो बीजेपी के कामों से पूरी तरह खुश है। कोई भी खुश नहीं है मैम, ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको पहले से ये शिकायत दिया जाता है, जैसे इनके बड़े नेता झूठ बोलते हैं उतनी आसानी से इन बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, इसीलिए ये चाहते हैं किसी को बोलना नहीं। युवाओं की बात करें तो देखिए युवा तो सब सही है, खुश है, ये सारे युवा भाजपा के IT सेल में काम करते हैं, झूठा प्रचार करने के लिए इन्हें पैसे दिए जाते हैं, भाजपा पार्टी ने 1.5 लाख। अभी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे, अभी प्रमाण के साथ कह रहा हूँ,
इनको ट्रेंड किया जाता है, इनको सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया पे आपको इतनी सी बात का बतंगड़ बना के केवल झूठ का प्रचार करना है। कोई अगर सच सही सवाल करे तो उसको बोलने नहीं देना, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आपके सामने बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, देखिए कैसे उन पर एकदम से चढ़ करके आए थे। तो इन लोगों का ये विकास के मुद्दे पर इनकी मंशा नहीं है बात करने की, ये सिर्फ सामने वाले की आवाज़ को दबाना जानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। देवेंद्र जी, बस आपसे यही जानना चाहूंगी, जो आरोप इन्होंने लगाया कि युवाओं को आईटी सेल में काम कराने के लिए ट्रेंड किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा पहले मेरे साथी जो बता रहे थे अपना आम आदमी पार्टी के जो व्याख्यान दे रहे थे उनके बारे में, आज सारा विश्व जानता है किस तरीके से उन्होंने कसम खाते थे कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस साथ हम कभी जाएंगे नहीं, अपने बच्चों की कसम खा के। लेकिन उन्होंने उसके बाद कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, कहाँ पे वो किसी मुद्दे पे रुकते, उन्होंने कहा कि हम सारी जो सरकारी सेवाएं उनके मकानों को हम नहीं लेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या अपनी सारी फैसिलिटी लिए, उन्होंने कहा हम जनता दरबार लगाएंगे, कहाँ पे सचिवालय पे दरबार लगा के भाग गए, अपने वो कुर्सियाँ तक छोड़ के भाग गए। तो उनके विषय में सब कुछ जानते हैं, पानी कहाँ से कैसे सप्लाई करते हैं, और उन्होंने सिर्फ एक कसम खा रखे खोड़ा का जो विकास है विकास नज़र नहीं आ रहा उनको, केवल उनको विनाश नज़र आता है जो दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली के बराबर जो यूपी का अपना बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर के साथ में दिल्ली की सड़कें लगती, दिल्ली की सड़कें अगर हैं तो उसका काम यूपी सरकार थोड़ी करेगी, उसके लिए भी आरोप किस पे लगाना है, अपने योगी जी पे लगाना है। इसके बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि अभी खोड़ा में स्कूल नहीं, इन लोगों को जानकारी नहीं है, खोड़ा के जाके प्राइमरी स्कूल देखे, प्राइमरी स्कूलों के अंदर आज जाके कंप्यूटर वहाँ पे फर्नीचर देखें जाके वहाँ पे, और खोड़ा में एक स्कूल नहीं, खोड़ा में तीन स्कूल हैं, और तीन स्कूल के बावजूद दूसरे अभी उन्होंने अपने मुख से उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया और आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सरकारी किचन चली, सरकारी किचन में क्या मिला, चावल मिला, जो उन्होंने कम से कम माना तो सही, उन्होंने कम से कम ये तो माना कि मतलब यहाँ पे लोगों को भूख से नहीं, पहले इस बात का जवाब। इसके बाद दूसरे इनके बात है जो मेरे साथी कह रहे हैं, आरोप लगाना किसी के पास बड़ा आसान है, ये सब पब्लिक के लोग हैं जो आपके सामने खड़े हैं, इनके आप आई कार्ड चेक कर लो, इसके बाद इनसे देख लो सैलरी अगर इनके अकाउंट से जाती है, इन लोगों को पैसा दिए जाते हैं या ट्रेंड के लिए, जहाँ पे इन्होंने कहीं पे इनको कोई भर्ती सेंटर बना रखा हो, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलता हो उसका ये नाम बता दे कि वहाँ से इनको ट्रेनिंग इस समय ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम इनकी बात को मान लेंगे। बाकी आरोप बिल्कुल निराधार है, इनका कोई तुक नहीं है, इसमें कोई दम नहीं इनका कि मीडिया के लोग हैं, एक आम लोग हैं, मेहनत मजदूर लोग हैं, अपना बिजनेस रोजगार करते हैं अपने, और दूसरे आते हैं 15,000 रुपये तनख्वाह, जो जिस तरीके का टैलेंट होता है, जो अपना कारोबार करता है वो लाखों भी कमाता है और 10,000 में भी काम करता है, आदमी अपने व्यक्तित्व के हिसाब से काम करता है। अभी अपना काम छोड़ कर पार्टी के साथ घूम रहे हैं तो इनको फ्री के पैसे थोड़ी देगा, जाके काम करो आप तो पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके झूठी सारी बातें, इसके अलावा कोई बात नहीं है। आप किससे बात करेंगे, आज सबका साथ सबका विकास वो सबको दिखाई दे रहा है। बोल हमारे बड़े भाई बताए हैं हमारे साथी कि संघ यह सरकारी स्कूल के प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, प्रमाण प्रत्यक्ष है, और अगर जो आपको आना होगा आप मीडिया हैं कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, आपको अधिकार दिया गया है, आप कल संगम पार्क वार्ड नंबर 3 में आ जाइएगा, आपको मैं दिखा दूंगा कि प्राइमरी स्कूल की क्या स्थिति है। फर्नीचर की बात कर रहे हैं, टेबल अच्छा नहीं है, टूटा हुआ टेबल मिलेगा। और दूसरी बात भैया ने बताया नेगी साहब ने कि यहाँ तो गुंडा हैं, विकास दुबे अगर जो गुंडे थे, मानता हूँ खुशी दुबे क्या गुंडा थी, 2 दिन हुआ था उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी हुई थी, उसको भी सलाखों के पीछे जाना हुआ। क्या नेगी जी से पूछ लीजिए किसी की, इनकी बहन बेटी या मेरी बहन बेटी अगर जो जेल के पीछे जाएगी क्या ये चुप बैठे रहेंगे। दूसरी बात विवेक तिवारी की बात, एप्पल कंपनी में मैनेजर थे, उन्हें पुलिस वालों ने गोली से ठोक दिया, ठीक है, क्या वो गुंडा थे, उनसे पूछे नेगी जी से। किसानों की बात कर रहे हैं, किसान बताते हैं कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अगर जो श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी बगैर नहीं चला था तो किसान बगैर इंसान का नहीं चलेगा, क्या ईंट पत्थर खाएंगे यहाँ से। उत्तराखंड से अगर जो भैया आए हों, और मैं गोरखपुर से आया हूँ, मैं गोरखपुर से यहाँ आया हूँ, लगभग 6 साल से रह रहा हूँ, ठीक है, नेगी जी भी आए होंगे तो उत्तराखंड से ही आए होंगे, हमारे यूपी के भाई हैं समझो, लेकिन उत्तराखंड बना दिया गया। तो क्या ये अनाज नहीं खाते, ईंट पत्थर खाते हैं, यहाँ की जनता ईंट पत्थर खाती है, किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी जो बताया जा रहा है। कहते खेती कौन करता है, खेती में 4 भाई हूँ, एक भाई मैं कमा रहा हूँ, अकेला 3 भाई हमारे खेती कर रहे हैं, तो क्या वो किसान नहीं हुए, मैं किसान नहीं हूँ, पार्टी में हूँ, मानता हूँ ये हमारा लक्ष्य है कि हम पार्टी में करते हैं समर्थन कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर जो जैसे इन्होंने खालिस्तानी पाकिस्तानी गुंडा बताया, आज मानता हूँ मनीष गुप्ता जी थे गोरखपुर में जो है, उनको 501 नंबर में कमरे नंबर में मारा गया, क्या वो गुंडा थे, प्रत्यक्ष में वो बताएं, उनकी बीवी रोड है, उनके बच्चे अनाथ हैं, क्या इन्होंने ठीका लेके बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग बच्ची हाँ जी। देखिए मैम, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि यहाँ पे 3 स्कूल हैं खोड़ा में, एक स्कूल मेरी बगल में जहाँ से मैं रहता हूँ, जहाँ मैं निवास करता हूँ, मेरी बगल में स्कूल है,
10 फीट गहरे गड्ढे में है, जरा सी बरसात हो जाती है तो 10-10 फीट पानी उसमें घुस जाता है। विकास तो वहाँ इन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया शिक्षा पे। दूसरी बात, इन्होंने कही कि ये झूठ बोल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर जो मैंने अभी एक आरोप लगाया है, एक प्रचंड चिन्ह जो लगाया है कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर हमारे भाजपा के साथियों के यहाँ खुला हुआ है, इन्हीं की अपनी अपनी जमीन है जहाँ सबको इनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से झूठ को प्रचार करके। चलिए ठीक है, बार बार आप ना ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, अब बार बार मैं आऊंगी आपके पास, बार बार आप ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं आप ये बताइए, बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। पाँच बजे ट्रेनिंग, सुबह पहुंचाते हैं कच्चा पैर पैर गए सब लोग ट्रेनिंग में, और भाई साहब की जमीन पे बैठते हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से दिखा देंगे भाई साहब की जमीन पे ट्रेनिंग ली जाती है इनको 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 बताया जाता है कभी ऐसा बोलो। देखिए ये तो आरोप लग रहा है। मेरी बात सुनिए, पहले इनको देश की, हमारी जो देश है भारत, देश भारत माता है ना मेरी, ये भारत माता का इनको आज तक परिभाषा ही पता नहीं है। ये जिस कच्चे वाले की बात कर रहे हैं ना, उस कच्चे वाले की वजह से आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। आज हमारे आरएसएस वालों को ये कच्चे वाले बोलते हैं कभी गुंडा, और ये हमारे भाई साहब भी बसपा वालों ने बोला कि ये इनको कभी खालिस्तानी कभी कुछ बोल रहे हैं। हमने अभी तक नहीं बोला, हमने कहा अन्नदाता ये नहीं है, अन्नदाता वो है जो खेत पर काम कर रहे हैं। ये जो बॉर्डर बैठे अन्नदाता नहीं है, इन्हें ये जानकारी होनी चाहिए। इनका जो राकेश टिकैत जी है उन्होंने न्यूज में और खुद बोला था कि अब भाजपा की तो बारी आ गई, अब न्यूज़ वाले पे सुधर जाओ, तुम्हारी भी बारी है। तो हमारा एक न्यूज़ वाला भाई को इन्होंने आत्मा उनको उसको वहाँ पीट पीट के मारा है इन्होंने। ये वही किसान बैठे हुए हैं और हमारे अमित भाई से बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये बात करते हैं ट्रेनिंग देने की। आज का युवा बहुत समझदार है और इंटेलिजेंट है, वो किसी के पैसों पर बहकावे आने वाला नहीं है। वो मोदी जी के और योगी जी की नीतियों पर कार्य करने वाला है, वो उनके कार्यों से इतना बखूबी से जानते हैं और इतने पुए हैं कि उन्हें खुद में सक्षम है और खुद जानकारी है कि हमें आगे देश को प्रगति पर ले जाने के लिए किस पार्टी के साथ देना है और किस व्यक्ति के साथ देना है। चलिए ठीक है, आपकी बात भी सुन ली, आप बताइए, आप बहुत देर से कहना चाह रहे थे, समय लग गया ज़्यादा आने के लिए। हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई ने मुझे एक बात का जवाब नहीं दिया, न नेगी जी पे जवाब निकला, न हमारे बड़े भाई पे जवाब निकला कि हमारे जो मंत्री जी हैं बीके सिंह जी और यहाँ के विधायक माननीय सुनील शर्मा जी, इनने कितना विकास कराया है वो आज तक अभी तक किसी ने जवाब नहीं दे पाया है। और वो जवाब हमें एक बार दे दें, स्कूल आज गड्ढों में नहीं पड़े होते। अब मुख्यमंत्री जी अगर वो एक बार अगर लिख के दे आते तो मुख्यमंत्री जी हो सकता है 2-4 स्कूलों का काम दे देते, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि खोड़ा के लिए, क्यों खोड़ा में सिर्फ वोट बैंक बैलेंस अपना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वोट बनाना है, युवाओं को भड़काना है कि बस बीजेपी, और एक ये करना है हिंदू मुसलमान। अरे भैया हमारे जैसे आप गारंटी कार्ड दो ना कि हमने पानी की गारंटी दे रखी, बिजली की गारंटी दे रखी है, गारंटी कार्ड बना के दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार आती है तो माननीय केजरीवाल सरकार आपको गारंटी कार्ड देती है, बिजली मुक्त, पानी मुक्त, शिक्षा मुक्त और शिक्षा मुक्त। फ्री बिजली फ्री पानी से आप यहाँ पे भी राजनीति करेंगे ऐसे, और इसी मुद्दे के साथ उतरेंगे। अभी 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 आऊंगी। देवेंद्र जी, आप स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी बता रहे थे, आप कह रहे थे कंप्यूटर है, अभी इन्होंने भी स्कूल की पोल खोली, इन्होंने भी और इन्होंने सबने बता दिया स्कूलों की हालत कैसी है, और सब खोड़ा की बात बताई जा रही है। जैसे हमारे साथी ने बताया और उन्होंने अपनी बातों में आपने ध्यान दिया, जवाब भी दिया कि स्कूल में विकास तो है, स्कूल एक नीचे है, वहाँ पे उन्होंने फर्नीचर की बात मानी, वहाँ पे आप जाके सुन देख सकते हैं, इनके कहने से कुछ नहीं। विपक्ष को काम है सिर्फ आरोप लगाने का, सामने प्रत्यक्ष आप लोग कल जा सकते हैं, खोड़ा गांव का प्राइमरी स्कूल देख सकते हैं, आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित है। ये देखिए, रुकिए, व्हाट्सएप पे दिखाइए, आप दिखाइए, अब आप कहीं से भी कहीं की भी, आप कभी कहीं की भी पिक मंगवा के दिखा देंगे। चलिए मंगवाइए, आप आपको दिखा दूंगा। जैसे मेरे दोस्त अभी आरोप लगा रहे हमारे माननीय सांसद जी के ऊपर, माननीय विधायक जी के ऊपर, मैं आपको खोड़ा की सच्चाई बता देना चाहता हूं कि ये एक जो क्षेत्र था यहां पे, इन लोगों ने भू माफिया बना के यहां पे इस कॉलोनी को अवैध तरीके से, जो किसानों की जमीन थी
अपने तरीके से इन्होंने इसको अपना कब्जे किए और जो ज़मीन यहाँ पे सरकारी ज़मीन थी उस पर कब्जा करके कुछ ज़मीन का यहाँ पे नोएडा की ज़मीन थी उसको मुआवजा लेके उसके बाद बेचा। अवैध रूप से ये कॉलोनी बसाई गई थी लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इसको बचाने का काम किया, इसको विकसित करने का काम किया और एक खोड़ा नगर पालिका ऐसी पूरे प्रदेश में एक नगर पालिका है जिसने अभी भी सारी सुविधाएँ देने के बावजूद किसी से एक रुपये का टैक्स नहीं लिया। मेरे साथ ही बता दें कोई ऐसी नगर पालिका हो या दिल्ली नगर निगम अगर टैक्स नहीं लेता हो तो साथी बता दें कि विकास कहाँ से होता है और ये पैसे कहाँ से फंड आता है, तो ये सब मेरे साथी बताएंगे इस नगर पालिका का जो विकास हुआ है किसके फंड से पैसा आया है और ये जो सारे आरसीसी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, इनके घर पे कर्मचारी आ रहे हैं कूड़ा उठा रहे हैं वहाँ से, नालियों का आप देखिए सारा अपना। और ये देखिए ये कहाँ पे है, ये स्कूल कितनी दूर है, वार्ड नंबर 3 का ये स्कूल की हालत है आप देखिए, ये देखिए इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाजपा वालों के लिए। अब बताइए देवेंद्र जी, देखिए आप देखिए जो काम मैं बता रहा था वो मेरा हमारे साथी ने बताया। आप इसमें ग्रीनरी देखिए इसका और देखिए डेंट जो बरसात नहीं वो नहीं, अब ग्रीनरी पे नहीं, अब ग्रीनरी पे बात नहीं होगी। देखिए स्कूल के अंदर देखिए हालत बाहर से देखिए स्कूल, देखिए बरसात का जो समय है अभी बरसात हुई है, बरसात के समय में इस तरीके की दीवारें हो जाती है, अंदर जो फर्नीचर आपको फर्नीचर कंप्यूटर आपको सब चीज़ें अंदर जाके सुव्यवस्थित तरीके से मिलेंगे तो आपको वहां जाने पर स्थिति मिलेगी, बाहर की फोटो करने से नहीं होंगे, ऐसे हमारे बिल्डिंग के बाहर देखेंगे तो यहां का। चलिए ठीक है, इसमें नुकसान आपका भी है, आपकी बिल्डिंग भी नीचे पड़ गई, इसमें भी करोड़ों रुपये का आपका खर्चा हुआ, गवर्नमेंट के कारण खर्च हुआ आपका। ये यहाँ भूमाफिया आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी, मेरे बड़े भाई आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि यहाँ भूमाफिया है कौन और भूमाफिया कौन कौन था और आज किनारा हुआ या नहीं हुआ वो भी आपको पता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं बोलना चाहते हैं क्यों कही बात बहुत ज़्यादा फैलेगी, इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि थोड़ा समय बचा है आप लोगों का, आप लोग जो बचा कुचा थोड़ा बहुत विकास है वो आप खोड़ा में कर दो और सबसे पहले पानी लाने का काम करो और दूसरे शिक्षा लाने का, और नहीं तो ये बच्चे सारे धीरे 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 सारे लोग ये सारे लोग बच्चे हमारे दिल्ली के हो जाएंगे, दिल्ली निवासी हो जाएंगे, वो भी आधार कार्ड दिल्ली का आधार कार्ड बना के हम ठीक है। जैसे अभी भाई साहब ने बताए कि खोड़ा नगर पालिका टैक्स एक रुपया किसी से नहीं ली है, मैं बताता हूँ लूट कर रही है, टैक्स नहीं चाहिए हमें, अगर जो हम टैक्स लेंगे तो उसका हमें हिसाब देना होगा और अगर जो हम लूट करेंगे तो लूट का हिसाब कोई नहीं देना होगा। जैसे मकान किसी का बन रहा है, अगर जो बेचारा छिज्जा तो बढ़ाएगा एक आध फीट तो बढ़ ही जाता है, कॉलोनी है सोसाइटी है नहीं तो उस पर 15,000-20,000 जाके जो नगर पालिका के लोग हैं लेते हैं। अभी पानी की बात की जाए, अगर जो कोई गरीब आदमी है बोरिंग करवाता है तो उससे लिया जाता था पैसा, एक महीना हुआ 5,000-4,000 का वो पहले लेता था जी, और उसके बाद में जो सभासद होते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक लोग जो ऐसे होते थे कि 5-5-10,000 रुपया एक एक बोरिंग लेते थे, अगर जो 10,000-5,000 कमाने वाला आदमी है वो 5,00,000 का बोरिंग कितनी बार करवा आप बता। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चीज है, संगम पार्क में पानी व्यवस्था नहीं थी उसको भी करवाया गया संगठन। ठीक है ठीक है, देखिए अभी देवेंद्र जी ने जो कुछ भी कहा सही था सब, सारी बातें झूठे हैं, मैंने पहले भी बताया एक एक बात इनकी झूठ है। अभी इन्होंने कहा नगर पालिका ने इतना विकास किया, मैं बता रहा हूँ ये नंबर प्लेट के नाम पे 200 रुपये पर घर से उगाही कर रहे हैं। अभी हमारे बसपा के साथी ने बताया कि आज किसी को पानी की प्रॉब्लम होती है अपना बोरिंग लगाने जाता है तो 5,000-10,000 रुपये की उसकी स्लिप काट दी जाती है वरना उसके काम को रुकवा दिया जाता है। अब एक बात बताइए, जो सेंसन बोर्ड में बैठ करके जो मीटिंग हो गई वहाँ से नंबर प्लेट का बिल पारित हो गया उसमें 200 रुपये लेने का कौन सा मकसद बनता है इनका, लेकिन खुली लूट मची हुई है, कहने वाला कोई नहीं है, कोई कहेगा तो इसी तरह से चिल्ला करके उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है हाथ खड़ा करिएगा, पहले किसी का कोई सवाल रुक जाए।
बताइए। आखिर प्रधानमंत्री जी योगी जी महंगाई पे बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलते हैं इस चीज का जवाब चाहिए हमें बस। बेरोजगारी महंगा, यहाँ के युवा हैं वो तो खुश हैं, वो तो ठीक है। मैं बताया ना, ये लोग आए हैं कुछ लोग ट्रेंड होकर बस, बाकी पूरे आप जनता के बीच में जाके पता कर ले बेरोजगारी महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। मैडम ये वही लोग हैं जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं जितना झूठ बोल के सरकार बना लो। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विनाश, पर इन्होंने क्या किया, सब अपना साथ और जनता का विनाश, ये इन्होंने किया। उतना बुरा हाल कोरोना काल में, मैडम कोरोना काल में इतना बुरा हाल हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग दर भटकते रहे। यहाँ की एक महिला गर्भवती महिला कई अस्पताल गई और कई अस्पताल आने के बाद यहाँ खोला माँ के दम तोड़ दिया उसने। और यहाँ पे बिल्कुल व्यवस्था इतनी बुरी थी, ज़्यादातर लेबर क्लास लोग रहते हैं यहाँ पे, उनका पलायन का सिस्टम इतना तेजी से चल रहा है बहुत ज़्यादा, लोगों को जाने के लिए परेशान थे, बैरिकेड लगा दिया गया, किराएदार के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, रो रो को बहुत लोगों मदद हमने करी, बहुत लोगों यहाँ मदद करी कोरोना काल में, लोग जाने के लिए परेशान थे, महिलाएं थीं, गरीब बच्चे थे जिनके पास दो दिन का अनाज खाने का नहीं था। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ बांटा गया तो चावल बांटे गए छोटी प्लेट में नगर पालिका वाली गाड़ी में, दोपहरी में 3-3 घंटे लंबे लाइन लगा के लोग ले रहे, तो कम से कम 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी यहाँ पे चौकी के पास लगी थी, मेरे पास वीडियो में आप दिखा सकता हूँ लंबी लंबी लाइन, और लोगों को इतना बुरी तरह परेशान किया गया। मैडम एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब पानी की कहते हैं हम लाएंगे, 5 साल हो गए, 5 साल थे आज तक पानी क्यों नहीं आ रहा, सवासद इनका, विधायक इनके, चेयरमैन इनके, मुख्यमंत्री इनके, प्रधानमंत्री थे, कब लाएंगे, क्यों झूठ बोलते हैं कि पानी हम लाएंगे, कब पानी आएगा ये बताओ, जब आज तक राष्ट्रपति ने सारा शासन इनका, तो कब लाएंगे, कौन से जमाने में पानी लाएंगे, फुल सत्ता में जनता सहयोग किया, झूठ बोलने का कोई हिसाब ही नहीं है, कभी पानी मैं कह रहा हूँ ये लाएंगे नहीं। चलिए ठीक है, आऊंगी उधर भी आऊंगी, आप बताइए यहाँ पे क्या खोड़ा की बात करेंगे, कहीं और की नहीं करेंगे, यहाँ कितना विकास हुआ है खोड़ा, जो विकास के नाम से तो जीरो है, ये जो पिछली सरकार जो दे गई थी यहाँ नगर पालिका वो बना के दे, थाना वो बना के दे गया, और जो रोडों का जो बजट था वो 127 करोड़ पानी के जो अखिलेश जी कर गए थे मंजूर, वो आज ही पेंडिंग पड़े हैं, न यहाँ के विधायक जी नहीं सुनी, न यहाँ के चेयरमैन जी नहीं सुनी, और न संसद जी नहीं सुनी नीचे से, और 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 30 से बीजेपी ही आए, और यहाँ बीजेपी झूठ के अलावा और जुमलों के अलावा और कुछ नहीं कर रही है, कोई काम कर जमीन पर करती ही नहीं है, केवल झूठ बोलती है। ठीक है, आप बताइए आप। हाँ। जिस हिसाब से अभी हमारे आम आदमी पार्टी के नेता जी जो बोल रहे हैं कि पानी, इन्होंने कोई वीडियो दिखाई थी अभी कि स्कूल में पानी, बरसात के मौसम पानी आ गया, तो इस हिसाब से हमारे एक दिल्ली में मंत्री जी हैं शायद, वो जग्गा जी, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, जग्गा जी हैं, उनके ड्राफ्टिंग के पैसे बच गए हैं, क्योंकि नैनीताल में वो वीडियो वायरल की थी उन्होंने कि वो राफ्टिंग कर रहे थे दिल्ली। हाँ, तो राफ्टिंग के पैसे बच गए उनके, तो लोग बाबों को राफ्टिंग करने नैनीताल जाना पड़ता है, ऋषिकेश जाना पड़ता है, पैसा सारा बचा उनका, फायदा नहीं है, फायदा है, बसों में इतना पानी भर जाता है, बरसात में कहाँ पानी नहीं भरता, आप मुझे बताइए बरसात में कहाँ पानी नहीं भरता, इन्होंने एक वीडियो दिखाई, उस चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ, बस धन्यवाद। तो आप बताइए, युवाओं की बहुत सुन ली, इनकी सब बहुत सुन ली, अब आप बताइए क्या यहाँ की असलियत है। असलियत ये है, 30 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है, कंट्रोल है, एक बार बसपा के विधायक रहे हैं, अब तक ये बताएं कि खोड़ा के लिए इन लोगों ने क्या किया, पिछली समाजवादी ने नगर पालिका दिए, थाने दिए, चौकी दी, रोड के लिए पैसा दिया, पानी की टंकी चालू करवाई थी एक, बाकी ये कहते हैं कि विकास किया हमने रोड का, विकास के लिए समाजवादी ने फंड छोड़ा था जब घोषणा करी थी, उस पैसे के इन्हें ईंट का विकास किया, उस पैसे को हमें अगर को पानी में विकास कर देते तो ये मकान हमारे 6 फुट और 10 फुट गड्ढे में ना जाते, पानी की व्यवस्था हमें पहले करनी थी, सीवर लाइन बेशक हमें को बाद में दे देते कोई दिक्कत नहीं थी, पानी की वजह से यहाँ से हर आदमी प्लान करने को तैयार बैठा हुआ है, आप इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये भी स्कूल 5 फुट गड्ढे में बैठा हुआ है, कितनी संपत्ति लगी हुई है खोड़ा में गरीब आदमी की, एक एक पैसे की कमाई, या गरीब कॉलोनी है ये, आज तक पानी का विकास नहीं हुआ, ये मकान बने हुए सारे रोड बना दिए 5-5 फुट ऊंचे, रोड बनाने की बजाय आप पानी दे देते तो हमें समस्या नहीं होती, तो ये बताओ बीजेपी वालों ने कौन सा फंड दिया है यहाँ
चलिए ठीक है, कोई सर निकाल के दिखा दे कोड़े में। चलिए ठीक है, आप जी ये जो बोल रहे हैं पानी के लिए, ये समस्या अभी आई है, ज्यादा साल से नहीं चल रही है पानी जो, ठीक है, ज्यादा साल से नहीं है। मैं पहले बताता रहा, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, इससे पहले जो भी था, जो भी सरकार थी, जो भी पार्टी थी, मैं कह रहा हूँ अब इनको पानी की याद आ रही है, यही पानी लेके आ गए होते पहले, यही पहले पानी लेके आए होते। आज मैं बता दे रहा हूँ मेरे योगी जी का, आप सब इतिहास उठा के देखिए, और मैं बोलूंगा जहां तक मेरी आवाज भी जा रही है, मेरे योगी जी में ना इतनी ताकत, इतने ईमानदार, इतने अच्छे हैं ना कि उनको रोड पे बैठने की वो नहीं होती है। इनके पार्टी के जितने नेता होते हैं, इनको जब आगे बढ़ना होता है ना तो ये रोड पे बैठते हैं। हमारी प्रियंका जी झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती हैं, सब दिखाई देते हैं। एक साल से परमिशन लेके घूम रही है लेडीज, पानी के लिए दर दर भटक रही है। सभासद बीजेपी के, चेयरमैन बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, ये रही पूरी वीडियो, बकायदा लेटर। मैडम जी 2022 ये चुनाव, ये जनता जवाब देगी कि पानी आएगा या नहीं आएगा। मेरे विधायक जी, मेरे चेयरमैन जी, सबके सब जवाब देंगे। ये समस्या अभी की है ना, महिला की समस्या बता दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, इस महिला की समस्या परमिशन है एक साल पहले की। समस्या है ना मैम, समस्या है ना, समस्या सबकी है। यादव जी बैठिए, रुक जाइए। अगर समस्या का अगर आप निकाली जाए ना, समस्या अगर निकाली जाए, समस्या एक नहीं है, ठीक है, पर जब से हमारी भाजपा सरकार आई है ना, यहाँ समस्या का ना तोड़ टूटते जा रहा है, ये भी तो अच्छा। नहीं, अब मेरी तो सुन लीजिए, क्या आप भी वही जो बीजेपी के ट्रेनिंग दी जाती है आईटी सेल के लिए, आपको भी वही ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ये जो समाजवादी पार्टी के भाई साहब ने बोला था कि ट्रेनिंग दी जाती है, हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। सुनिए, अभी हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, एक मिनट भाई, हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, हम इतने समझदार हैं, योगी जी और मोदी जब से आए ना, हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हम ठीक है। आप अपना नाम बताइए, कहाँ काम करते हैं? मेरा नाम घनश्याम शर्मा है, मैं खोड़ा नगर पालिका में काम करता हूँ। आज यहाँ पर जितने महोदय बैठे हुए हैं, पहले तो ये दूसरी पार्टियों के थे, जो फिलहाल अभी दूसरी पार्टियों का झंडा ज्वाइन किया है उन्होंने, और जो कि यहाँ पे भाजपा को जो इतना, मैडम समस्या कहाँ आती है, जहाँ पे एक विकास होता है, अगर हम 10th क्लियर नहीं करेंगे पढ़ेंगे नहीं तो फेल तो होंगे ही होंगे, जब हम पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे, स्टडी कहाँ करेंगे, स्टडी करेंगे तो पास भी होंगे, अदरवाइज तो हम खाली यही रह जाएंगे कि नहीं मैं तो क्लियर ही हो जाऊंगा समाजवादी में, लैपटॉप लेके क्लियर हो जाऊंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार लेके क्लियर हो जाऊंगा मैं तो क्लियर हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। और रही दिल्ली के स्कूलों की हालत, तो मैडम हमने भी बहुत देखा है, ये रहा दिल्ली फेज 3 में जाके ही, वो दिखा देते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों की फोटोज, वो भी देखी हमने सारी। ठीक है, मैं अभी इन्होंने हमारे जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, अभी इन्हें 3 दिन हुए हैं ज्वाइनिंग करे हुए सपा को, उससे पहले बसपा के थे, अभी इन्हें ये नहीं पता चलता मुझे रहना किस में है इन्हें क्या। अभी हमारे भाई से बैठे हुए कमल माभी जी, ये पहले आम आदमी में थे, अभी कांग्रेस में आ गए। अरे इनको डिसाइड करो ना, मैं मेरा लीडर तो कभी भी कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है। कौन सा लीडर सक्षम है जो प्रदेश अभी अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, अभी देखिए बीजेपी में कितने शामिल हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया देख लीजिए आप, इन्हें खोड़ा का लीडर, अगर लीडर में इन्हें खोड़ा का जो लीडरशिप कर रहे हैं हमारे चेयरमैन महोदय, तो अगर उन पर विश्वास नहीं है तो ये विश्वास किस पर करते हैं, उस पार्टी को ज्वाइन करें। और दूसरी हमारे भाई साहब आम आदमी पार्टी ने एक सवाल दागा कि विधायक का फंड दिखाएं, सांसद का फंड दिखाएं, आप हमसे ज़्यादा अनुभव है आपको, हर नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, आप ग्राम पंचायतों में सब जगह जाते हैं, आप ये बताइए मुझे, 5 करोड़ रुपए विधानसभा का एक साल का बजट होता है, वो 5 करोड़ को विधानसभा केवल एक नगर पालिका में नहीं लगा पाएगी, उसको उन्हें डिवाइड करना, यहाँ विधायक जी का भी फंड है, सांसद जी का भी फंड है, और जो नगर पालिका का डायरेक्ट फंड आता है वो भी लगता है, तभी विकास होता है, उन्होंने खुद बोला। सुनो मैम, जो इन्होंने कहा, ये हमारे आम आदमी पार्टी जी ने कहा कि यहाँ विकास हो गया है, जो विकास रहेगा उसे भी करवा दो, हम करवा देंगे। और दूसरा विषय इनका पानी का है, मैं पानी का बता दूं आपको, स्पष्ट बताऊंगा पानी के ऊपर, पानी का जो है 127 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ, उसका DPR पूरी तैयार हो चुके है, 187 किलोमीटर खोड़क, पहले ना बोलो इन्हें, आप मुझे अगर पहले बताते ना, मैं सार को आप, मैं अगर मुझे आप पहले बताते मैं पूरा आपका परफॉर्मा और पूरी फाइल आपको दिखाता, मुझे पता नहीं था डिबेट होनी है, मेरे को ये बताइए 127 करोड़ रुपए की DPR पूरी तैयार है, 187 किलोमीटर हमारी खोड़ा की पाइपलाइन डलनी है, और 12 टंकी बन रही है जिसमें 4 टंकी की जगह अवेलेबल है,
और उसके बाद हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे खोड़ा जो है 40 से 45, सुनो मेरी बात, मैं एलएमसी पे आ रहा हूँ। एलएमसी यहाँ 40 से 45% एलएमसी है, जिसमें इन भूमाफियों ने पहले से ही सपा सरकार बसपा सरकार में ठीक है। अब आप बताइए, आप पे तो सबसे पहले ये वही आरोप लगा रहे हैं, पार्टी नहीं डिसाइड कर पा रहे। पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी है, उनकी नीतियाँ सही है, उनको देख के शामिल हुए हैं, जिम्मेदारी दी है। यहाँ पे पानी के लिए एक साल पहले की परमिशन लेके घूम रही है लेडीज, पानी नहीं। अगर ये कह रहे हैं कि बजट आया, विधायक ने लगाया, सांसद ने लगाया, तो 10 लाख की आबादी में 12वीं तक का स्कूल तो होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। क्या प्लेटफॉर्म है इनके पास? दिल्ली में शरण लेते हैं हॉस्पिटलों में यहाँ के मरीज, 12वीं के लिए 5वीं पास यहाँ से करके, मात्र 5 स्कूल है नगर निगम के यहाँ पे, 12वीं के स्कूल जाने के दिल्ली के जाएंगे, क्यों भाई? कहाँ गया पैसा? और ये 5 साल के लिए कह रहे कि 1 साल का 5 करोड़ होता है, तो 30 साल का कहाँ गया पैसा? 30 साल की भाई साहब, सांसद विधायक तो रहे, विधायक कुमार मुन्नी किसके विधायक थे, अमरपाल किसके विधायक थे, सुरेंद्र गुहे थे, सुनील शर्मा किसके थे, और रामेश सरकार की हमारी सरकार 16 साल बाद सरकार रिपीट हुई है, जिसमें बहन मायावती जी की सरकार थी, अपनी सरकार 3 साल पहले चला ली, और जब भाजपा का नंबर आया तो समर्थन वापस ले लिया। ठीक है। इस तरह मुद्दे खत्म ही नहीं होंगे। बस एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, बताइए मैडम। अरे नेगी जी शांत रहो, ये नेगी जी अभी तालियां जोरदार बजाना नेगी जी के लिए। अगर भाजपा में कोई शामिल हो जाए, वो बाबा रामदेव का गोमूत्र और शहद से नहा के आए, वो भाजपा का सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है। बजाइए इनके लिए तालियां। और अगर अदर पार्टी से आता है, अदर पार्टी से आता है वो पवित्र हो जाता है, और दूसरे पार्टियों में आप लोग उंगली उठाते, जब आपका कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में शामिल होता है तो उस पर क्यों नहीं उंगलियां उठाते हैं? आप विकास की बात करिए, खोड़ा की बात करिए, खोड़ा में आपने विकास कराया नहीं, खाली तालियां पिटवा रहे। बहुत सारे भूमाफिया बैठे हैं, उन लोगों के पहले घर ढबा दो, तो हम मान जाएंगे कि योगी जी ने ये खोड़ा कॉलोनी में उन आतंकवादियों को घर ढबा दिए। अभी तक नहीं ढबाए गए हैं, वो लोग भूमाफिया हैं, कब्जा कर रखे हैं, इसीलिए ना पानी की टंकी बन पा रही, ना हॉस्पिटल बन पा रहे। उन लोगों के ढबाइए आप, तब मान जाएंगे। चलिए ठीक है, बस आपसे भी एक आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं। जैसे हमारे कहने का सा, भारतीय जनता पार्टी के लोग ताली ज़्यादा बजा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं दूर है, 5 महीने और जो भी तालियां बजाना है, जो भी देना है आश्वासन देते रहें, 5 महीने बाद दिखाई नहीं देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ये सरकार जा रही है, इस सरकार को जो किसान का नहीं हुआ, तैयार है पूरी तरह, ये सरकार जा रही है तो आपकी आएगी? बिल्कुल आएगी, 2022 में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री 5वीं बार बनने जा रही हैं। चलिए ठीक है, देवेंद्र जी, आज आप देख रहे हैं विपक्ष किस तरीके से बौखलाहट में है। अगर ये युवा हैं अपनी बात को कह रहे हैं तो उनको ताली बजाना नजर आ रहा है। अगर विकास हो रहा है, विकास के साथ सबका विकास, जनता में खुशी की एक लहर है, तो वो उनको ताली बजाना नजर आता है। तो इसी से आप महसूस कर सकते हैं प्रदेश में किस तरीके का माहौल है, और भाजपा पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौट के आ रही है। इसी बौखलाहट में लोग कुछ का कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, आप बताइए। देखिए, सबका साथ और सबका विनाश इन लोगों ने कर दिया है। अब ये बहुत ज़्यादा दिन सत्ता में रहने वाले नहीं हैं, ये लोग जा रहे हैं, इनकी विदाई तय है। 2022 में 350 प्लस समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, रुक जाइए। तो ऐसे में यहाँ आज हम खोड़ा में मौजूद थे, जनता की भी बातचीत जानी और उनके जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की, लेकिन अगर मैं सही मायने में कहूँ तो यहाँ की जनता बीजेपी के कामों से खुश नजर आ रही है। जो लोगों ने कहा वो हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं लोग। अगर युवाओं की बात करें तो युवा पूरी तरह से रोजगार की बात कर रहे हैं कि उन्हें रोजगार पूरी तरह से मिल रहा हो, विकास यहाँ पर पूरी तरह से हुआ है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्या बीजेपी पर भरोसा जो ये यहाँ की जनता जता रही है वो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा या नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।